प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। अवैध बैसमेंट के जो है लगातार मामले देखे जा रहे थे, हादसों को लेकर बारिश में आज प्रशासन जो हरकत में आया, यहां पर एसडीएम मैडम साथ में से बात करेंगे। मैडम, यहां पर जो आज कार्रवाई की जा रही है, किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है, किस बात को लेकर प्रशासन यहाँ पहुंचा? बेसमेंट में पानी भरा हुआ है और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, किसी समय भी असुरक्षित रह सकता है ये, और काफी समय से पानी भरा हुआ है। इनके ऑनर को सूचना दी गई है किंतु अभी तक उनके द्वारा कोई ऐसे कार्रवाई आरंभ नहीं की गई है, क्योंकि असुरक्षित है, जब तक पानी निकलता नहीं है तब तक पता नहीं चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से अभी बिल्डिंग खाली करा लिया गया है। फिर पानी खाली कराने के उपरांत देखेंगे कि उसमें क्या अव्यवस्था हो रखी है, फिर उसको ठीक कराने के बाद में। नीमच में कुछ और भी बिल्डिंग है, वहाँ पर भी होगी क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, आज हम लोग वन बाई कार्रवाई कर रहे हैं। मैडम, एक देखा जाता है नगर पालिका की लापरवाही की, लगातार अवैध रूप से बेसमेंट भर जाते हैं, बिल्डिंगें तैयार हो जाती है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं नगर पालिका भी इस मामले में, उनके खिलाफ भी जाँच होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि जो नियमों के उल्लंघन में जो बेसमेंट या इस तरह की बिल्डिंग्स बनी है उसमें हम कार्रवाई करवाएंगे। अभी यहाँ पर मौके पे प्रथम दृष्टया क्या कार्रवाई की जा रही है, ऑफिस खाली करा दिया गया, आगामी क्या रहेगी? अभी जो बिल्डिंग के लोग हैं उनको बाहर किया गया है, ये जैसे ही खाली होता है पानी और उसके बाद पता चलेगा कि ये सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से पानी भरा हुआ है, उसके बाद हम लोग इनको खुलवाएंगे। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ भी क्या अगर लापरवाही पाई जाती है? डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जैसा कि बताना चाहूंगा, यहाँ पर एसडीएम ममता खेड़े से तहसीलदार और पुलिस टीम यहाँ मौके पर पहुंचे, यहाँ पर अभी फिलहाल पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया है। नीचे लगातार देखा जा रहा था कि यहाँ पर बेसमेंट जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ था, और लगातार हादसे कई देश में ऐसे हादसे होते हैं जहाँ पर बेसमेंट के कारण लोग अपनी जान गंवाते हैं, इसको लेकर आज प्रशासन का कलेक्टर के निर्देशों पर एक्शन मोड दिखाई दे रहा है, प्रशासन यहाँ पहुंचा है। हालांकि नगर पालिका लगातार जो बेसमेंट बनते हैं अवैध रूप से, उसको लेकर नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए। एसडीएम मैडम ने कहा है कि पूरे मामले में जांच की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।